आज की ये वीडियो रीजनिंग से संबंधित है। आज का प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा किसी सांकेतिक भाषा में साधना को इतना लिखा जाता है एक्स एफ आई एम एफ एस एफ एक्स एफ आई एम एफ एस एफ लिखा जाता है तो माधुरी एम ए डी एच यू आर आई माधुरी को इसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। डी का 4, एच का 8, ए का 1, एन का 14, ए का 1, एक्स का 24, एफ का 6 हो जाएगा, आई का 9, एम का 13, एफ का 6, एस का 19, एफ का 6। ठीक, अब यहाँ पर 19 है, यहाँ पर देख रहे हैं 24 है, तो एस को हम एक्स से मिलाते हैं। ठीक, और 19 है इधर, इधर 24, इसका मतलब नंबर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा, 19 में एक जोड़ोगे 20, 20 चार 24 मतलब 5, 19 में 5 जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है। फिर ए को हम एफ से मिलाते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो 1 में हम कितना जोड़े, 5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। डी को हम आई से मिलाते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 9, तो 4 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। एच को हम एम से मिलाते हैं, एच 8 नंबर पर है, एम 13 नंबर पर है, 8 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 13 आ जाता है। ए 1 नंबर पर है, एफ 6 नंबर पर है, तो 1 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। एन 14 नंबर पर है, एस 19 नंबर पर है, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। ए 1 नंबर पर है और एफ 6 नंबर पर है, तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले को पहले से मिलान करना है और क्रमानुसार प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव सभी में हमें ऐड करते हुए तब जाके नंबर मिलेगा हमें। ठीक, तो सबसे पहले माधुरी की नंबरिंग कर लेते हैं। एम का 13, ए का 1, बी का 4, एच का 8, यू का 21, आर का 18 और आई का 9। पहले का 5 ऐड करेंगे, मतलब इसमें सभी में 5 ऐड करना है। 13 5 5 3 18, ठीक, तो 13 5 18 हो जाएगा, प्लस 5 इसमें ऐड करेंगे 5 1 6। अब डी 4 है, 4 में 5 जोड़ोगे 9 आ जाएगा। फिर एच 8 है, 8 में 5 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 13, 8 5 11 होता है। और फिर इसके बाद 21 है, 21 में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 21 5 26। फिर आर है 18, 18 में 5 जोड़ोगे तो 18 5 23। और फिर आई है, आई में 5 जोड़ोगे तो 9 5 14। ठीक, तो क्या करते हैं, अब इसके लेटर रख देते हैं। 18 का मतलब आर, 6 का मतलब एफ, 9 का मतलब आई, 9 का मतलब आई, 13 का मतलब हो गया एन, सॉरी एम हो गया, 11 का मतलब एन, 14 का मतलब एन होता है ना, और 26 मतलब जेड, 23 का मतलब डब्ल्यू होता है, 14 का मतलब एन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर एफ आई एम जेड डब्ल्यू एन। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, आर एफ आई एम जेड डब्ल्यू एन, इसका मतलब यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।